आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों आज हम जिस पौधे की बात करने वाले हैं, वैसे तो दोस्तों ये कई नामों से इस पौधे को पहचानते हैं, तो पहले मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से इसकी केयर की जाती है और क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये नाम इसके कई सारे हैं, जैसे कि टूर्नेरा, इसके अलावा येलो अल्टर और उसके अलावा यूलमी फोलिया, बटरकप, कुबन बटरकप, तो इस तरह से दोस्तों अलग अलग नामों से पहचाना जाता है ये पौधा। वैसे तो दोस्तों किसी भी प्रकार की मिट्टी में ग्रो हो जाता है, पर दोस्तों इसे गमले में यदि ग्रो करना हो तो एक मिक्स प्रकार की मिट्टी आपको बनानी होगी, जैसे कि भुरभुरी मिट्टी और जो गार्डन खेत वाली मिट्टी आती है उसके साथ बजरी हो, काव डंक, वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर है वो तैयार कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि फ्लावर जाने के बाद दोस्तों ये इस तरह के हो जाते हैं। और दोस्तों इसको आप ग्राउंड में भी किसी भी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यदि गमले में ग्रो करना हो तो ये इसके लिए 10 इंच के मीडियम साइज का गमला है वो अच्छा रहता है। इसके साथ ही दोस्तों गमले के नीचे वेल्डन वॉल होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और मिट्टी जब भी बनाए दोस्तों तो एक वेल्डन प्रकार की ही मिट्टी बनाए, खास करके गमले में हमें ग्रो करना हो। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि ये खूबसूरत इसके फ्लावर है वो, वैसे तो दोस्तों एक रेगुलर पूरे साल है वो बनते ही रहते हैं। कुछ मौसम को बात करते हुए मैं वो आगे बताने वाला हूँ। उसके साथ ही दोस्तों धूप छाव की मैं बात करूँ तो वैसे ये धूप को बर्दाश्त करने वाला पौधा है। 3-4 घंटे की धूप जहाँ मिलती हो इस तरह का डायरेक्शन हमें देना चाहिए। उसके साथ ही दोस्तों पानी की बात बताऊँ तो ये पौधा है, आप रेगुलर वाटरिंग है वो मिट्टी चेक करके आप इसे दे सकते हैं, खास करके सर्दियों के मौसम में ओवर वाटरिंग ना हो उसका आपको ख्याल रखना होगा। वैसे ये पौधा दोस्तों एक हेज के लिए या तो बॉर्डर सजाने के लिए भी कई जगहों पर इसे ग्रो किया जा सकता है। और इससे दोस्तों इसकी खूबसूरती है वो और भी निखर कर आती है, तो उसके लिए भी दोस्तों आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो ये दो तरफी मैं बात करूँगा दोस्तों, क्योंकि इसे यदि आप और गमलों में जब भी फर्टिलाइज़र देते हो तो और रेगुलर भी इसे दे सकते हो, जैसे कि NPK है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, काव डंक, वर्मी कंपोस्ट, सीड या घरेलू कोई भी खाद से पौधा है वो दोस्तों खाद ऑब्जर्व करने लगे, इससे दोस्तों अच्छे खासे फ्लावर है वो बनते रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी है दोस्तों कि ये बिना खाद के भी पौधा है वो दोस्तों चल जाएगा, ऐसा ही नहीं है, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है, ज़्यादा कोई इतनी देखभाल करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। एक बार अच्छी तरह से ग्रो हो जाए दोस्तों तो ज़्यादा दिक्कत वाला पौधा नहीं है। इसमें फंगस है दोस्तों कभी कभार आपको कुछ मौसम में आपको देखने को मिल सकती है, बाकी कोई इतने ज़्यादा डिसीज इसमें लगते नहीं है। इसके लीव्स और पत्ते हैं दोस्तों, ये वैसे तो दोस्तों केवल फूलों से ही नहीं पर इसके पत्तों से भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते हैं वो बहुत ही अच्छे मीडियम लंबे चौड़े डेकोरेशन जैसे खूबसूरत इस पौधे को बनाते हैं। तो दोस्तों ये खूबसूरती के लिहाज से भी भले ही इसमें फ्लावर ना लगे हो तो भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये थोड़ा हेवी फीडर भी है, मैंने जैसा कहा कि ऐसे अच्छे खासे खाद मिले दोस्तों तो इसमें अच्छे खासे फ्लावरिंग है वो समय समय पर बनते रहेंगे, तो समय समय पर आप फर्टिलाइज़र भी दे सकते हो। पर मैंने जैसा कहा कि बिना फर्टिलाइज़र के भी दोस्तों ये पौधा है वो चलेगा, जो कम केयर के साथ या तो जिसके पास समय नहीं है वो भी ये पौधा है वो ग्रो कर सकते हो। और बहुत ही कम समय हो तो दोस्तों इसमें आप बिना खाद के भी चल जाएगा, कोई नॉर्मल चीज़ हो तो भी ये चल जाएगा। और बहुत ही कम समय में दोस्तों इसमें रूट रोट का शिकार ये होता है, तो इसकी भी समस्या नहीं रहती। एक बार लगाने के बाद दोस्तों ये लंबे समय तक चलने वाला पौधा है, सीड भी नीचे गिर जाते हैं और नए नए पौधे हैं वो आप बेबी प्लांट से भी नए ग्रो कर सकते हो, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाएगा। वैसे ये एक आउटडोर पौधा है, इसके लिए कोई खास इतनी वो नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों, आप आउटडोर के किसी भी जगह हो तो भी अच्छा सर्वे होगा। इसमें फ्लावरिंग है दोस्तों, गर्मियों के सीजन में अच्छे खासे फ्लावर है वो बनते हैं, सर्दियों के सीजन में इसके फ्लावर है वो कम हो जाते हैं। तो सीजन में दोस्तों इस तरह के फ्लावर की एक साइकिल है वो चल सकती है और ओवर दोस्तों ऑल ओवर साल भर इसके फ्लावर है वो
बनते ही रहते हैं। और प्रूनिंग है दोस्तों, बहुत ही हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग ही करें। ये सीड कटिंग दोनों से ये ग्रो हो जाता है, पर फ्लावरिंग जाने के बाद दोस्तों इसमें सीड नीचे गिर के नए पौधे भी तैयार हो सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक।